सभी का स्वागत है शुद्ध भक्ति चिंतामणि इस श्रृंखला में। हम हर बुधवार करते आए हैं अनेक सप्ताहों से, तो हम भागवतम का एक श्लोक पढ़ेंगे। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति वक्तारं श्रोत्रकं पृच्छकं तत्पादसलिलं यथा। तो आपको यह भागवतम में श्लोक मिलेगा। वह कहता है कि जो भगवान के बारे में चर्चा है, वासुदेव के बारे में, जिसमें बोलना होता है, प्रश्न करना होता है और श्रवण करना होता है, यह तीनों भी जो है तीनों शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कोई गंगा में स्नान करता है तो शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से हम उसी अध्याय में हैं। पिछले बार हमने चार प्रकार के श्रवण के बारे में चर्चा किया था, आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के बारे में बोलना। क्योंकि मैंने सुना है हमारे मंदिर में 62 ब्रह्मचारी हैं जो भागवतम क्लास देते हैं और कुछ 40 गृहस्थ हैं, तो हमारे पास में आसपास 100 वक्ता है। तो सभी क्या कर रहे हैं? भगवान के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो कैसे भगवान के बारे में बोलना है, किनको बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, सब कुछ इसमें लिखा गया है। तो भगवान के श्रवण करने के बारे में जब हम सुन रहे थे वहाँ पर, तो यह है दूसरा टॉपिक है भगवान के बारे में बोलना। शास्त्र निषेध करते हैं खुद जो वक्ता है, श्रोता है, उनके पात्रता के परे और खुद के परे। कृष्ण बार बार बताते हैं कि कैसे अपात्र व्यक्तियों को नहीं बताना चाहिए। इदम ते ना तपक्षाय ना भक्ताय कदाचन ना शुश्रवे वाच्यम न च माम योभिसूयते। यह गुह्य ज्ञान उन लोगों को नहीं बताना चाहिए जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है और जो मेरे से द्वेष करते हैं। तो चार चीज़ें बताते हैं। पहले है जो लोग तपस्या नहीं करते हैं, जो लोग प्रामाणिक नहीं है चार नियमों का पालन करने के लिए। दूसरा, या जो डिवोटेड नहीं है, जो जिनको इच्छा नहीं है उनके पीछे भाग भाग के उनको पकड़ के देना। उनको आप पकड़ के उनको प्रसाद दे सकते हो, उनको आप हरिनाम दे सकते हो, उन्हें आप नाम लेने के लिए अनुरोध कर सकते हो, पर जब तक उन्हें इच्छा नहीं है तब तक उनको यह ज्ञान मत दो। और डिवोटेड का मतलब यह भी आता है कि वे एक माया के दिशा में जा रहे हैं, तो रुकने के लिए तैयार होना चाहिए। सुनकर ऐसे आज मैं प्रभुपाद से सुन रहा था कि जैसे आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, मैं आपको बहुत आभारी हूँ कि आप आकर बैठ कर सुन रहे हो। तो प्रभुपाद का बताते हैं यह भी एक प्रकार की सेवा है। तो कोई अगर बैठ कर सुनने के लिए तैयार है, उसका मतलब वह डिवोटेड यानी उसके लिए रत है। और एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, न केवल सुनता है, न वो बोलता है मैं कुछ सेवा भी कर सकता हूँ क्या, तो वह सेवा भी करता है। और उन व्यक्तियों को मत बताइए जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो चार लोगों को ज्ञान है, जो पहला तपस्वी नहीं है, जो चार नियमों का पालन नहीं करता है वह, दूसरा जो जिनकी इच्छा नहीं है उनको, तीसरा जो भक्ति में लगा हुआ नहीं है, और चौथा जो मुझसे द्वेष करता है। जब बताते हैं कि ब्रह्मचारी कोई अगर सेमिनार देते हैं अंत्य लीला के बारे में, या तो फिर जपा रिट्रीट दे रहे हैं,
या फिर बृहद भागवतामृत दे रहे हैं। तो सोचिए, यदि अगर कोई नया भक्त अगर वो उसके बारे में बोले तो लोग बोलेंगे कि अरे आपका क्या साक्षात्कार है। हम अगर बड़े बड़े विषयों के बारे में बोलने वाले हैं, महाप्रभु के जो विरह के भाव है आप केवल पढ़ सकते हैं, जग 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 ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं, उनके दांत करतरा रहे हैं, वो अपने आंसू को नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम क्या समझ सकते हैं उसे। हम छोटे बच्चे हैं और हमें पता नहीं है कि गर्भावस्था क्या होता है, और वो हम कैसे समझ सकते हैं। कोई कहेगा, कोई बोलेगा मैंने अंतरीला पढ़ा नहीं, सोचा मैं चलो ऑडियंस के साथ में पढ़ लूँगा, तो उनको बताना चाहिए कि नहीं है, कोर्स नहीं है, ये हम रीडिंग प्रोग्राम है, हम साथ में आपके पढ़ने वाले हैं, आप सबका स्वागत है, आप साथ में, हम साथ में प्रभुपाद पर्पोर्ट पढ़ेंगे, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। तो कोई विषय में बोलने के लिए हमारा साक्षात्कार होना चाहिए। तो क्या एक नया भक्त ऐसे बड़े विषयों को ले सकता है? नहीं, तो यह एक हंसी का बात हो जाएगा। ऐसे गोपी गीतम ऐसा कोई लेता है और मैं गोपी गीत के बारे में बोलने वाला हूँ, तो वह अपने मन और इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है और हम अपने ही काम वासना के परे नहीं गया है, तो वह क्या बताएगा। तो इसीलिए फिर हमने भगवत गीता है, भगवत गीता के ऊपर आप रोज़ दो टॉपिक। और एक और अच्छा है कि आप प्रभुपाद के छोटे किताबें ले सकते हो, और हर विषय के लिए प्रभुपाद ने क्या बोला है या फिर कुछ अच्छा बता सकते हो। तो फिर आप उन्हें छोटे पुस्तक में मदद करते हो। तो हम अपने साक्षात्कार के परे नहीं बता सकते हैं, और जो श्रोता भी है तो हमारी पात्रता के परे बोलना भी नहीं चाहिए, और ना हमारे जो हम सुनने की पात्रता नहीं है वह सुनना भी नहीं चाहिए। तो हम अपने पात्रता के परे बोलना भी नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों को नहीं बोलना चाहिए जो पात्रता नहीं रखते हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे, हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। हर व्यक्ति को हम कुछ 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 बता सकते हैं। जैसे नया बच्चा है, आप चपाती उसको खिलाओगे तो क्या होगा, खा खा, तो वो उसको दाद भी नहीं है तो वो क्या खाएगा, तो उसे केवल अपनी माँ का दूध अच्छा है, चपाती कैसे खा सकता है। तो जो लोग ले सकते हैं उससे ज़्यादा उनको हम नहीं देना चाहिए। तो लोगों की पात्रता के परे नहीं बताना चाहिए, और श्रवण भी नहीं करना चाहिए उस प्रकार से। जैसे हम यदि कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो वो सब भी पढ़ना, जैसे कि बहुत ही कुछ आगे की पुस्तकें हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते हैं, और केवल हम अहंकार से कह सकते हैं कि मैं यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ। कभी कभी लोगों को लगता है मुझे मन शिक्षा पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ ऐसा। तो कभी कभी हम पुस्तक पढ़ते हैं जो लोगों को पता नहीं है, ऐसे लोग, मैं सोच रहा हूँ मैं मधुलीला से बोल रहा हूँ, ठीक है मधुलीला सबको आता है, चैतन्य चरितामृत मधुलीला हमने 4 साल पहले सुना है, हमने पढ़ भी लिया है उसे, ऐसे भी बोलते हैं लोग। तो भगवद गीता, भागवतम सीसी या हमारे लिए राइस दाल है, या हमारे साथ खाने की चीज़ है। तो हम जब उसमें से बोलते, लोग बोलते हैं क्या इतनी बड़ी बात बोला है, पर वास्तव में यह सब चीज़ों का सिद्धांत है। तो पहले हमने अपना जो फाउंडेशन है यह इसके ऊपर, जो पाया नींव है इसके ऊपर बनाना चाहिए। भगवान जो चेतना दे रहे हैं उसे आसानी से नहीं लेना चाहिए। पद्म पुराण बताता है कि नाम के अलग अलग अपराध क्या है। तो ऐसे लोगों को प्रचार करना जिनको इस सब विषय में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धाने विमुखोपि अशिन्वते यश्चोपदेश शिव नाम अपराधः, यह 9वां अपराध है।
तो अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम की महिमा का वर्णन करना। तो ऐसा इस तरह से यहाँ पर एक चेतना दी गई है। मुझे एक पता व्यक्ति पता है जो जो अपना रिकॉर्डिंग अपने पास रखता है, तो पहले पूछता है आपको कुछ चाहिए तो आप सुनोगे, ठीक है तो फिर देते हैं। जैसे आप प्रसादम किसी को देते हो ना, उस तरह से वो देते हैं। आप ऐसे क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा, वो बोलते हैं कि कुत्तों को मोती फेंकना नहीं चाहिए। तो शास्त्र जो जो है तो ऐसे मूर्ख को नहीं देना चाहिए जो इसका दुरुपयोग करेंगे या फिर उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो यह तो पर वैष्णव कभी कभी ऐसे भी अपात्र लोगों के पीछे भागते हैं। यह वैष्णव का स्वभाव होता है कि उन्हें थोड़ी पात्रता देकर उन्हें ज्ञान देना। पर देते वक्त भी जैसे आप देखोगे श्रील प्रभुपाद कोई भी लेक्चर में बताएंगे देही नोस्मिन यथा देह है। जब गोपियाँ भी कृष्ण से बात कर रहे तो बता रहे जैसे आपने भगवद गीता में कहा है ऐसा प्रभुपाद लिखेंगे। जैसे कृष्ण बुक आप देखोगे कि भौतिक आसक्ति भक्ति के लिए अच्छी नहीं है, ऐसे तो ऐसे सब चीज़ें गोपी भी बोलती है। तो वो समरी स्टडी है। तो समरी स्टडी होने के तो ऑडियंस को समझने के लिए जो श्रोता है उनको समझने का अवसर देते हैं कि कैसे वह जो पहले की सिद्धांत है वह भी जान सके। तो प्रभुपाद सबसे बड़े बड़े विषय दे रहे हैं परंतु बहुत अच्छे से दे रहे हैं। जैसे कि वह डाइजेस्टेड फूड है, यानी जो पचा हुआ खाना है। जैसे आप रासलीला के ऊपर आप बोलने वाले अधाष्टमी के लिए तो आपने बताना चाहिए कि नया व्यक्ति भी उसे समझ सकता है। जैसे प्रभुपाद का अधाष्टमी के ऊपर एक लेक्चर है, पूरा लेक्चर जो है वह कृष्ण के ऊपर पे है। तो कृष्ण के बारे में बताते हैं कैसे कृष्ण परम तत्व है, सर्वशक्तिमान है, अकेले सामृत मूर्ति है, सब कुछ प्रभुपाद बताते हैं। कैसे महान है, कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उनसे आ रहे हैं, सभी ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं, अणु अणु में प्रवेश कर रहे हैं, सभी के सभी जीवात्माओं के हृदय में हैं। तो हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, अधाष्टमी लेक्चर है या फिर जन्माष्टमी लेक्चर है, क्या है? और पूरा बोलाने के अंत में कहते हैं और ऐसे कृष्ण जो है यह राधारानी को शरणागत होते हैं, उनके उनके भक्ति को देखकर यह राधारानी है, बस इतना ही बताते हैं। तो प्रभुपाद जानते हैं कि कैसे आचार्य होने के कारण वे जानते हैं कि कैसे प्रस्तुत करना चाहिए ज्ञान को। तो कोई भी विषय है जिसे प्रस्तुत करना है, जैसे राधाष्टमी को आपको श्रीमती राधारानी के बारे में बोलना है तो आप उनकी कैसे आंतरिक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है यह बताना चाहिए। नहीं तो कोई केवल राधारानी के लीला बताएंगे ऐसे आसानी से तो उसे बहुत ही सस्ता लिया जाएगा। तो प्रभुपाद राधारानी के बारे में बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे राधारानी के बारे में ऐसे बात करते हैं कि जैसे कोई नायक की पत्नी है कोई तो ऐसा कोई नायक कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है और उनकी पत्नी है उसका नाम राधा है, वैसे कोई व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है जो उसे उसी गांव में रह रही है उसके बारे में ऐसा बात करते है, ऐसा नहीं है। तो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी मयी सर्वा कांता सम्मोहिनी परा। तो गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। तो कांता शिरोमणि यानी सभी लक्ष्मियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो चैतन्य चरितामृत के आधार पर हम सबसे बता राधा कृष्ण प्रणय के लिए एकात्माना अपि भूविप्रा देह दे भेदम गतको चैतम आख्यम प्रकट भगवना तद्वयम चैक्यम आप्तम राध भाव द्युतिस्वरितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो स्वरूप दामोदर कह रहे हैं मैं चैतन्य महाप्रभु को वंदन करता हूँ जो एक है परंतु दो में विस्तार हो गए राधा और कृष्ण के रूप में और फिर से अभी एक हो गए हैं। तो ऐसे तत्वों को पहले प्रस्तुत करना चाहिए राधाष्टमी के दिन पर और उसके बिना सीधा राधा राधा रानी की लीलाओं के बारे में जटिला कुटिला बताना वृंदावन की लीला तो लोग राधा रानी को आसानी सस्ते में लेंगे। तो भगवान या राधा रानी या फिर भगवान नाम की महिमा यह अपात्र लोगों को नहीं बताना चाहिए अश्रद्धालु।
तो जो आचार्यों के बारे में जब जब हम शास्त्रों से बोलते हैं पहले आचार्यों के बारे में, तो फिर वह अपराधों के बढ़ते हैं। पर कुछ भागवत के वक्ता होते हैं, एक एक है भागवत सप्ताह, 7 दिन जहाँ पर श्रीमद् भागवत में बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ पर आकर वे 3 से 4 घंटा बोलते हैं, और जिसमें कृष्णा के केवल वृंदावन की लीलाएं होती है और विशेषकर गोपियों के साथ में, और इन और बीच बीच में उनके बारे में ही कुछ विषय होते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं। तो ये वास्तव में देखोगे आप, देखो केवल 3-4 साल ही होते हैं, तो जो पैसे वाले लोग होते हैं वे कोई हरिद्वार में जाएंगे, ऋषि के जगन्नाथपुरी में जाएंगे, कुछ स्थान मर जाएंगे, और जहाँ पर 200-300 लोग साथ में, रिश्तेदार साथ में जाएंगे, या तो फिर शहर में ही एक बार जीवन में ऐसा करते हैं 7 दिन का कार्यक्रम, और सुबह 10 से 1 या 10 से, फिर उस बाद में दोपहर में भी ऐसे कुछ 3-4 घंटे जो भी हो ऐसे करेंगे, पर सीधा 10वां स्कंद रहेगा और केवल कृष्ण के रासलीलाओं के बारे में बताएंगे। और लोग इसे मनोरंजन के रूप में लेते हैं, ऐसे कोई लड़के लड़की के बीच में कोई है, चक्कर चल रहा है उस तरह से। तो सबसे पहले तत्व को जानना चाहिए, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्गामद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। पहले इसे समझाओ कि सब्सटेंस, पहले तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, यह सब कुछ विस्तार से बताना चाहिए। भगवान कौन है, उनका क्या स्थान है, भगवान बता रहे हैं, बताते नहीं है कि कृष्ण बोल रहे हैं। तो कृष्ण तो बहुत अंत तो द्विजवासी है, वो बोला सकते हैं, पर प्रभुपाद लिखते हैं पहले कि भगवान बुला रहे हैं कि सूर्य चंद्र मेरे मेरे कारण से है, सब ब्रह्मांड मेरे से आ रहे हैं। तो भगवान के स्थिति को के बारे में चर्चा किए बिना और बहुत ही आसानी से ऐसे ऐसे पिक्चर के गाने गाते हैं उस तरह से, राधा और कृष्ण के बीच में के जो उसके उनके बारे में गीत गाते हैं, और लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है, उन्हें अच्छा मनोरंजन मिलता है और उनको अहंकार को भी अच्छा हवा मिलती है, और अपने वैयक्तिक जीवन में भी इस तरह के वह संबंधों को रखते हैं और अपने जो भी जीवन चल रहा है उसको चलने देने देते हैं। तो लगता है कि भगवान का रोमांस है, ऐसे हमारा भी रोमांस रहेगा। तो ऐसे अगर ऐसे प्रचार करता है तो वह वक्ता भी प्रचार कर अपराध कर रहा है और श्रोता भी अपराध कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने ऐसे कथाओं में न भाग लेना चाहिए और न इसका वो करना चाहिए, न इसका अनुमोदन करना चाहिए। कुछ लोगों ने 5 लाख 10 लाख रुपए देते हैं, 1 करोड़ रुपए देते हैं। तो प्रभुपाद इनके इसके विपरीत है, और इस्कॉन के बारे में भी पूछे थे कि क्या इस्कॉन के भक्त ऐसा कर सकते हैं, और पंडित बताते हाँ आप, हम भागवत कथा रख सकते हैं, नाम भागवत सप्ताह नहीं, और 7 दिनों का जो उद्देश्य, न केवल बहुत लोगों को बुलाना उद्देश्य नहीं है, 1 हफ्ते के लिए लाना, और लोग सोचते कि वाह वाह मैं बहुत प्रसिद्ध हो रहा हूँ, बहुत लोग मेरा सुन रहे हैं 7 दिनों की कथा। आपको पता है नहीं कि कहाँ कहाँ पर आसानी से ठीक ठाक भी कोई बोलता है तो उन्हें 5,000 लोग मिल जाते हैं। जैसे आपको हम कोई गांव में भेज देंगे, वहाँ पर आपको 5,000 लोग मिल जाएंगे सुनने के लिए, और आपको लगेगा अरे आप सबसे बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो। पर लोगों को पता है कि वो एक ही 7 दिन की बात है, ठीक है 7 दिन है, बाकी के दिन आप मैंने बहुत पुण्य कर लिया, बस हो गया, अभी 7 दिन में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सिनेमा में जा सकता हूँ, माया में जा सकता हूँ। तो समुद्र की लहरों की तरह आते हैं और समुद्र की लहरों की तरह चले जाते हैं, वह रहते नहीं हैं। तो जब मैंने कृष्ण रसायन शुरू किया, मैंने हफ्ते महीने में एक बार किया, एक बार दो, तो बहुत लोग हैं जो आते हैं, तो बहुत लोग हैं जो जो पहले मूछ वूछ थे और वो आते हैं केवल सिर्फ केवल कृष्ण रसायन पढ़ पढ़ के 16 माला शुरू कर दिए हैं। तो जब मैं उन्हें मिलता हूँ तो मुझे बोलते थे तो मैं पहले इस प्रोग्राम में जब मैं आया हूँ फिर अभी 16 माला करता हूँ, फिर अभी मन को मैंने भक्तों के संबंध जिसे जोड़ दिया है। तो भागवतम बार बार होना चाहिए, या तो हर हफ्ते है, या हो सके तो रोज़ अच्छे बहुत नित्यम भागवत से, या नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते में, या तो 1 बार महीने में, ऐसा नहीं कि 1 बार साल में 7 दिन या फिर जीवन में 7 दिन, ऐसे नहीं।
तो पहली बात है कि बार बार करना चाहिए, और दूसरी बात है कि सुनने के बाद में भी हमने ऐसे चार नियमों का पालन करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है। तो हमारा जो आंदोलन है यह लोगों के अहंकार को बनाए रखने और कुछ डोनेशन कलेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है कि लोगों को अच्छा लगे। मुझे याद है जन्माष्टमी के विषय हम घर घर में जाकर कीर्तन करते थे, हमारे कुछ भक्तों का ऐसा गीत था, कुछ मारवाड़ी लोग थे, पैसे वाले लोग थे, तो उनके घर में बहुत सुंदर सजाएंगे, वो फवारा लगाएंगे, बलून लगाएंगे और बहुत अच्छे से अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, तो केवल कीर्तन करते हैं। बोला कथा क्यों नहीं करते है? बोलते हैं नहीं 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 हमको कथा नहीं चाहिए, हमको केवल ना राधे 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 श्याम ऐसे कुछ उनको ऐसे गाना है। कम से कम 15-20 मिनट तो भी कुछ तो आपने चर्चा करना चाहिए। फिर मुझे कभी कोई बुलाया, फिर मैं भी कोई कुछ घरों में गया था जहाँ पर कुछ ऐसा जन्माष्टमी मनाते हैं या कुछ ऐसे मनाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम आंदोलन है जो लोगों को सिद्धांत भी सिखाए, हम केवल लोगों को लोगों के अहंकार को मलम लगाने के लिए नहीं आए हैं। आप बोलोगे ठीक है कुछ तो कुछ राधा दे तो बोल रहे हो या कीर्तन तो कर रहे हैं। बहुत लोग तो फिलॉसफी को इसलिए, सिद्धांत को इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि फिर वो तो मैं जो कर रहा हूँ उसके खिलाफ बोल रहा है उसके। तो प्रभुपाद ने पूरा प्रोग्राम दिया है हमें। हमने एक बार लोकनाथ स्वामी महाराज को कथा बुलाया और महाराज कीर्तन करते थे, 2,000-3,000 लोग साथ में रहेंगे और जब लेक्चर होंगे तो लोग सुन जाएंगे, फिर से महाराज कीर्तन करेंगे, फिर से बैठेंगे। तो महाराज ने उनको 1-1.5 घंटा रुका दिया, तो गाएंगे बोलेंगे तो ऐसे कर करके उन्होंने उनको 45 मिनट सिलोसिस दिया, लॉलीपॉप मेडिसिन, लॉलीपॉप दवाई ऐसा देकर पूरा कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स बोलते हैं, जो भागवत प्रभुपाद ने कड़े शब्दों में बताया ऐसे लोभी साधुओं के बारे में, बहुत बार ऐसे निराकारवादी भी होते हैं, वे ऐसे अनेक अनेक महान विषय ऊपर बोलते हैं जिसके बारे में वह अपात्र है, और जो गुह्य ज्ञान के बारे में ऐसे ही बताते हैं और ऐसे ऑडियो श्रोता को बताते हैं जो इसकी पात्रता नहीं रखते हैं। और सबसे महान जो पूजा का रूप है उसका वे मनोरंजन बना देते हैं, और जो प्रॉफिट आता है वह भौतिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। वे खुद कृष्ण से द्वेष करते हैं और दूसरों को भी द्वेष करना चाहते हैं, एक मायावादी है। ऐसे ही बम्बई में एक बार एक मायावादी था, वो उस भागवत सप्ताह कर रहा था और बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो प्रभुपाद ने उसको एक वार्निंग लेटर लिखा, तुम यदि यह रोकोगे नहीं तो प्रभुपाद ने भेजा तो हम पुलिस के ऊपर पुलिस केस करेंगे। लीलामृत में भी दिया हुआ है कि प्रभुपाद ने उन्हें एक लेटर लिखा, उन्होंने कुछ कथा नहीं, कथा चलते रहा और प्रभुपाद देखे थे कि प्रभुपाद ने कहा कि गवर्नमेंट ने एक रिलीजन डिपार्टमेंट रखना चाहिए जिसके पुलिस रहेगा देखेगा कि जो भी जो धर्म का जो गोल है उसके खिलाफ कुछ अगर गलत बोलता है, जैसे आपको पता है जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक आदमी को बनाया था भिषक सेन को पकड़ा था, तो ऐसे टाइप के जो धोखा देते हैं ऐसे लोगों को जेल के पीछे डालना चाहिए। कोई बोलता है मैं भगवान हूँ पर वो लूट रहा है, लोगों को लूट रहा है, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। और ऐसे लोग और देखना चाहिए कि जो भगवान के बारे में बता रहे हैं वह ध्येय हम प्राप्त कर रहे हैं। आप कोई भी धर्म का पालन कीजिए, आप क्रिश्चन हो मुस्लिम हो जो भी हो, तो दया तपस्या त्याग शौच ये सब जो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो चार नियमों का पालन करना सिखा रहे हैं नहीं, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जो सब जो भी है, और भगवान का नाम जप करना, अच्छा जीवन जीना, दूसरों लोगों को हानि नहीं पहुंचाना। जब इस्कॉन बहुत लोग आ रहे थे तो गवर्नमेंट तो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे पुलिस रखे थे कंट्रोल रखने के लिए, कि लोग को नियंत्रण में रहने थे। उन्होंने देखा कि पुलिस लोग पूरी रथयात्रा के साथ में चल रहे हैं और उन्हें कोई काम ही नहीं था, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा पुलिस में
ने रिपोर्ट लिखा कि ये हरे कृष्णा वाले लोग अच्छे अच्छे जेंटलमैन है, अच्छे सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वे प्रसाद बांट रहे हैं, वे गा रहे हैं, नाच रहे हैं और सबको खुश कर रहे हैं, तो आप उनको नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो उनके साथ में आप भी आनंद ले सकते हो। तो इस तरह से आप देख लोगे कि जो धर्म का अंतिम हमें चाहिए वह होता है। जैसे इस्कॉन है, यह सभी राष्ट्रों को साथ में जोड़ रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। इस्कॉन किसी भी व्यक्ति को कहाँ से भी है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग हो, कैसा भी हो, तो कोई भी लोग व्यक्ति आ सकते हैं, सभी राष्ट्रों को जुड़ा रहे हैं, सभी लोगों को जोड़ रहा है और चार नियमों का पालन करना सिखा रहा है, जो दूसरों को हानि देने से बचाता है लोगों को, तो खुद को भी हानि नहीं करते हैं और दूसरों को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, और लोगों को संतुष्ट कर रहा है भक्ति कर कर, शास्त्रों को पढ़कर, और भौतिक उद्देश्य के परे एक आध्यात्मिक उद्देश्य रखना सिखा रहा है, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर ले जा रहा है, तो फिर वे भौतिक स्तर पर किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना नहीं चाहते हैं। तो एक रिलीजियस पुलिस होना चाहिए, ऐसे धार्मिक पुलिस, जो कोई चीट कोई किसे अगर धोखा दे रहा है तो ऐसे लोगों को पकड़कर उन्हें जो दंडित करेगा। तो यह ऐसे जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं, प्रभुपाद उनके बारे में लिखते हैं, प्रोफेशनल स्पीकर और एक भौतिक तरह से मग्न जो श्रोता है, ऐसे प्रवचनों से कोई फायदा नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे तथाकथित लोग अपने परिवार को रखने के लिए कथा करते हैं और लोगों को भी क्या देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष यही प्रदान करते हैं। तो जब शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है तो कभी इसका पैसा नहीं लेना चाहिए, ऐसे देखा जाए तो फ्री में देना चाहिए, तो ज्ञान मुफ्त में देना चाहिए, और जो ले रहे हैं उन्हें लगना चाहिए कि हमें यह ज्ञान मिला है, और कृतज्ञ होकर उन्होंने बहुत दान देना चाहिए। पर अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं भी बहुत पैसा लेती है और उसको, क्यों नहीं पता है कि ये लेके चले जाएंगे, और ऑडियंस भी कैसा है, वे भी पैसा देना नहीं चाहते हैं। तो पूछते क्या कमर्शियल है आपके, यानी कैसे पैसा, तो बोलता है मैं लेक्चर दूंगा, अगर आपको पसंद आया है, कोई आपको पसंद आया है तो आप कुछ चैरिटी दान दे सकते हो, कितना, तो वो आपके ऊपर में है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है यह ऐसा ओरिजिनल कल्चर। और क्यों यह मुफ्त में दिया जाता था, क्योंकि यही टीचर को स्पेशल बनाता है, शिक्षक को, क्योंकि शिक्षक केवल श्रोता के आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सोचता है, सोचता नहीं कि मुझे कितना पैसा देने वाला है। ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठेगा, 10-20 लोग आएंगे, चतुष्पाठी कहेंगे, और उन्हें वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी, और बाद में कुछ समय के बाद में लोग गुरु के लिए कोई दक्षिणा लेके आएंगे, कोई कुछ गेहूँ लाएगा, कोई सब्जी लाएगा, और ब्राह्मण शांति से जीवन जी सकता है। तो वह केवल ज्ञान देता है और जीवन को सरल रखता है। पर अभी क्या हो गया है, वो हर सब चीज़ को 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, जैसे भौतिक ज्ञान है वैसे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खोल जाता है, बिजनेस बन गया है अभी, उस तरह से जो भागवत सप्ताह है वह 5 लाख रुपए लेंगे, 10 लाख रुपए लेंगे। अगर पैसा ले रहे हैं, पैसा यदि उनका उद्देश्य है, तो क्या भागवतम के बारे में, निवृत्त तर्श रूपगीयमानात् भवोषदौ श्रोत्र मनोविरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुनः विरज्येत विना पशुघ्नात्। तो निवृत्त तर्श रूपगीयमाना, वह सभी तृष्णाओं से मुक्त होना चाहिए, निवृत्त होना चाहिए। उपगीयमानात् तो क्या है पात्रता, कि वह भौतिक तृष्णाओं से, भौतिक आसक्तियों से मुक्त है। धनम जनम सुंदरिम, आजकल हम देखते हैं वह हीरो के जैसे कपड़े पहनते हैं, यह देखो मेरा, यह मेरा फैमिली है, मेरा ये मेरा पैसा है, यह मेरा ऐसा है, और ऐसा आपका उद्देश्य है खुद को बड़ा बताने के लिए, तो यह भागवतम भागवतम नहीं, भागवतम वक्ता नहीं है।
सबसे बड़ी चीज हम कुछ अगर बता सकते हैं कि किसी वैष्णव के चरणों में अपना स्थान है, यही बता सकते हैं, यही हमारा गौरव है, और कोई गौरव नहीं है, क्योंकि हमने सही आध्यात्मिक व्यक्तियों का आश्रय लिया है, इसलिए हम अच्छे से स्थित है और हम दूसरों को भी यह प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक चीज़ों को दर्शाना और धन इकट्ठा करना, यह सब जो है यह व्यर्थ है। प्रभुपाद कैसे चाहते थे प्रस्तुतिकरण हो भागवतम का? प्रभुपाद ने स्वयं अपने उदाहरण से बताया कि कैसे बताते वक्त हम अपराध के बिना बच सकते हैं। जब साधारण लोग रहे या फिर मिश्रित लोग रहे तो वे बताते थे कैसे भगवान एक व्यक्ति है, जड़ और चेतन में क्या अंतर है, और हरे कृष्ण कैसे अपने मुक्ति का साधन है। तो नए लोगों को ये बताना चाहिए पहले अंतर, जड़ और चेतन में क्या अंतर है। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, उनमें क्या अंतर है, हम कैसे शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे शुरुआत करना चाहिए। और फिर आपने बताना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं इस यंत्र का ड्राइवर हूँ। वैसे मैं लोगों को पूछता था, आप देखो देख रहे हो बादल गरज रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, सूर्य चंद्र प्रकाश दे रहे हैं, ऋतुएं बदल रही है, हवा बह रही है, क्या आप कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे, क्या आप कर रहे हैं? नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि इस तरह से यह ब्रह्मांड भी एक मशीन है, यह चल रही है और इसके पीछे चलाने वाले व्यक्ति भगवान हैं। फिर आप बता सकते हैं कि आत्मा में और भगवान में क्या संबंध है। जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आप कंपनी के भाग हो, और आपने क्या करना चाहिए कंपनी में जाकर? कंपनी के लिए काम करना चाहिए। जैसे आप स्कूल में हो, आप तो स्कूल के पार्ट हो, तो आपने क्या करना चाहिए? तो स्कूल के जो भी नियम है, आपने 8 बजे आना है स्कूल में, या फिर इतने क्लास अटेंड करना है, इतना ये करना है, वो करना है, तो इस तरह से कार्य करना है। और स्कूल में रहकर आप फिर स्कूल से फिर बाद में बाहर जाते हो। इसी तरह से इस जगत में हमें पता होना चाहिए मैं कृष्ण का मैं अंश हूँ, और मैंने कृष्ण की सेवा करना चाहिए। मुझे इस भौतिक जगत में रखा है क्यों? ताकि मैं इससे बाहर जाऊँ और भगवत धाम चले जाऊँ। तो यह प्रभुपाद नए लोगों को बताते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और भगवान स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, मैंने उनकी सेवा करना चाहिए, मैंने हृदय को शुद्ध करना चाहिए, भोग वृत्ति को छोड़ना चाहिए, और अपने हृदय को शुद्ध करने के बाद में प्रेम जागृत करना चाहिए। तो यह आप देखोगे बार बार प्रभुपाद अपने कथा अपने क्लास में बताते हैं। प्रभुपाद बहुत लोग बोलते हैं प्रभुपाद यही बोलते हैं, हाँ यही तो है, यही तो वास्तविकता है। इसे 100 बार सुनना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण को इतना बुरी तरह से भूल गए हैं, तो हमें बार बार सुनना चाहिए, और कोई और विषय के बारे में चर्चा करने से अच्छा है। यदि आप बहुत सारे लेक्चर सुनोगे बहुत अलग अलग विषय के बारे में, तो हो सकता है हमें बहुत अच्छा भी लगे बट हम जीवन के सिद्धांतों को भूल जाएंगे। पर यदि आप प्रभुपाद की कथाओं को बार बार सुनोगे तो आपको बार बार वे देखेंगे कि वे इस पर जोर दे रहे हैं। और इसका विशेष क्या है, उन्होंने देखो उन्होंने भक्त बनाया है, उन्होंने एक आंदोलन बनाया है। आज हम इस्कॉन में बैठे आराम से, किसने बनाया? प्रभुपाद ने शुरू किया है, और देखिए ये विस्तार हो रहा है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक यह नींव है, तो उन्होंने यह सिद्धांत बोले है और इतना अच्छा संस्था बनाए, और यदि हम इसको दोहराएंगे तो हम भी दुनिया के लिए अच्छा करेंगे। और हम अगर कुछ और बोले इसके बिना नए लोगों को, तो हम उनको उनके ऊपर धोखा देते हैं और हम खुद के ऊपर धोखा देते हैं, और ना वे भक्त बनेंगे और ना हमने उनको सही चीज़ दी है, हमने उन्हें केवल धोखा दिया है। उनका प्राय नियम यह होता था प्रभुपाद का कि ऐसे विषयों के ऊपर बोले जो सबसे कमी पात्रता रखते हैं उनको ही बताए। जैसे हम कहाँ पर जाते हैं तो पूछते हैं कि आप हमने पूछते हैं कि लोग कौन है, नए लोग हैं या फिर जैसे कभी कभी किसी के घर में हम विग्रहों के बारे में, तो हम बोलते हैं कि देखते हैं कितने भक्त हैं कितने नए लोग हैं। बोलेंगे भक्त लोग है 60% है, नए लोग 40% है। तो फिर हम किसके लिए बोलना चाहिए? हमने नए लोगों को देखकर बोलना चाहिए। हम जब नए लोगों के लिए बोलते हैं और उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और फिर जब हम 75% जब बता देते हैं, और फिर हम बताते हैं
क्यों हम विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान ऐसे क्यों अर्च विग्रह अवतार में आते हैं, और फिर कुछ भागवतम से बता सकते हो भागवतम से, तो 75-80% नए लोग के लिए होना चाहिए, तो फिर नए लोग लेंगे। कुछ लोग बोलेंगे तो फिर हम नहीं बोलेंगे, तो फिर अब हम सिर्फ भक्तों के लिए बुलाइए फिर से मुझे, तब अलग से फिर बोलेंगे, ऐसा भागवतम से बोलेंगे, चैतन्य चेतामृत से बोलेंगे, इस प्रकार से। कुछ वैष्णव इससे इसके बारे में विरोध करते हैं कि जो पहले के भक्त हैं उन्हें पहले सब कुछ पता है कृष्ण के साथ में कैसे संबंध बनाए, तो ऐसे वैष्णव बताते हैं कि वक्ता ने ऐसा बोलना चाहिए कि जिसमें जैसे कृष्ण और गोपी है उनके बारे में बताना चाहिए, ऐसा कुछ वक्ता कहते हैं। श्रील प्रभुपाद इसका समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि यह चैतन्य महाप्रभु ने जो उदाहरण दिया उसके विपरीत है। साधारण लोगों के साथ चैतन्य महाप्रभु केवल हरे कृष्णा जप करते थे, कीर्तन करते थे, और कृष्ण के बारे में बताते थे पर बाहर से, पर रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, इनके साथ में कृष्ण और राधारानी के संबंधों के बारे में चर्चा करते थे। तो जो जन समुदाय था उनके लिए उन्होंने हरे कृष्ण जप किया, जो भक्त लोग थे उनके बारे में, प्रहलाद के बारे में, ध्रुव चरित्र के बारे में, जैसे आप गदाधर पंडित के बारे में साथ में टोटा गोपीनाथ में वे सुनते थे, और जो बहुत ही निकटवर्ती है जैसे रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य, तो फिर साथ में अकेले अकेले कुछ उन और सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा है, तो वहाँ पर वे गोपनीय गानों के बारे में बता रहे हैं। वहाँ पर दशाश्वमेध घाट में कितने लोग हैं क्लास में, केवल रूप गोस्वामी, कितने दिन चला, 10 दिन चला, सनातन गोस्वामी को 40 दिन बताए, तो अकेले अकेले में दे रहे, और वहाँ पर सभी गोपनीय विषयों के ऊपर चर्चा हो रही है, नहीं तो सभी लोग इसका सुनने के पात्रता नहीं रखते हैं। रूप गोस्वामी का यह है कि जो रूप गोस्वामी जो बताते हैं, श्रीमद् भागवतार्था नाम आस्वादो रसिक सह सजाति यस्य स्निग्धे साधौ संघ स्वतो वररे, किसी ने भागवत का अर्थ ऐसे भक्तों के संग में लेना चाहिए, शुद्ध भक्तों के, और भक्तों के संग में संग लेना चाहिए जो खुद से ज़्यादा प्रगत है और जिन्हें भगवान से उसी प्रकार का स्नेह है। तो रामानंद राय से सुना कि रामानंद राय बहुत ही प्रगत है, तो उन्होंने कहा मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, तो मुझे पता चला है कि आप एक इसके बारे में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, तो मैं आज से प्रश्न पूछने आया हूँ। और रामानंद राय इसका उत्तर है, रामानंद राय को पता है कि मुझे वह केवल निमित्त बना रहे हैं बोलने के लिए, पर महाप्रभु जैसे आप देखोगे वेंकट भट्ट के साथ में बैठोगे, कहाँ पर, श्रीरंगम में, वहाँ पर अकेले अकेले में बैठे हैं, उनकी चर्चा हो रही है, या कभी कभी केवल स्वरूप दामोदर से बात कर रहे हैं, हेर पंचमी और शिवा ठाकुर है उनके बारे, उनके बीच में तो कुछ लोग तो उनसे बात कर रहे हैं, कोई बोल रहा है वैकुंठ भाव के बारे में, वृंदावन भाव के बारे में स्वरूप दामोदर बात कर रहे हैं, और वैकुंठ के भाव के बारे में श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं, तो इस तरह से वे श्रीमद् भागवतम में चर्चा करेंगे। और कुछ लोग के तो मैं उन लोगों का संग करना चाहिए जिनका भगवान के ऊपर विश्वास हमसे ज़्यादा है, जिनका समर्पण भगवान के ऊपर हमसे ज़्यादा है, तो ऐसा करने से हमारी भी प्रगति आसानी से होती है। शिल प्रभुपाद परिभाषा देते हैं सजातीय शय स्निग्धे, मतलब कि जो सब प्रकार के लोगों को प्रिय हो। तो इस तरीके से जो भक्त होता है वो हर प्रकार के लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो भक्त रहता है उसको हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि ख्याल रखे कि किस प्रकार के लोगों को ज्ञान दे रहा है,
जिसमें सब प्रकार के लोग हैं या केवल भक्त लोग हैं। अब देखिए जो ये जो पिक्चर दिख रहा है उसमें भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज और श्रील प्रभुपाद हैं। तो एक तरफ है जो कि जो जो वक्ता होना चाहिए उसको चाहिए कि वो ज्ञान जो है प्रामाणिक भक्तों के सामने ही प्रस्तुत करें, और दूसरी तरफ अपने बराबर के लोगों को बताते समय उसको ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए जो वैष्णव के लिए अच्छे हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञान देने के लिए हमें रूप गोस्वामी पाद ने बताया है। तो अगर बहुत विकसित भक्त हैं, प्रगत भक्त हैं, तो उनके सामने हम भक्ति के गूढ़ रहस्यों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर नए लोग हैं तो उनके सामने भगवान के बारे में जो मूल ज्ञान है वही प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन कुछ भक्त जो रहेंगे तो काफ़ी बार क्या होता है कि जब भक्ति का मूल ज्ञान हम देते हैं तो जो जो भक्ति में काफ़ी समय से भक्ति कर रहे हैं उन लोगों के लिए वो बहुत बोरिंग लगता है कि क्या वही चीज़ बार बार बता रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो प्रगत भक्त होता है वो वास्तव में उसके लिए भगवान कृष्ण की कथा कभी बोरिंग नहीं होती, वो कभी थकता नहीं है, हमेशा उत्साह उसका बना रहता है। भगवान कृष्ण से संबंधित कोई भी विषय है तो उसमें वो अमृत के समान होता है। तो जो जो प्रगत भक्त होता है वो तब उसके लिए सब कुछ भगवान के लिए दिव्य रहता है और नया रहता है। तो जो वास्तव में जो प्रगत भक्त होता है वो सब जगह, चाहे जड़ वस्तु या चेतन वस्तु, सब जगह भगवान को ही देखता है। भगवान के विषयों के बारे में तो और ज़्यादा अच्छे से उसमें रस का आस्वादन करता है, चाहे वो भगवान की सृष्टि लीला हो चाहे भगवान की रास लीला हो। तो अगर आप किसी व्यक्ति को सही में प्यार करते हैं तो व्यक्ति कुछ भी करेगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही जो वास्तव में भगवान का भक्त होता है वो भगवान की सब प्रकार की लीलाओं को अच्छा सा उसका आस्वादन करता है, चाहे भगवान सृष्टि कर रहे हों चाहे भगवान रास लीला कर रहे हों, वो भक्त को सब प्रकार की लीलाएँ भगवान के लिए भगवान की अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि ये अच्छा लगता है ये खराब लगता है, मतलब हमारे दिल में भगवान के लिए सही में प्यार नहीं है। हाँ क्यों? क्योंकि आप प्यार नहीं कर रहे हैं भगवान को वास्तव में, इसलिए आपको रासलीला अच्छी लग रही है, सृष्टि लीला अच्छी नहीं लग रही है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे कि जो लोग विकसित होता है हाँ उनको मालूम रहता है कि कृष्ण गोपियों के साथ जो रासलीला कर रहे हैं और जो कृष्ण वहीं पे जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों में फर्क नहीं है, दोनों दिव्य स्तर पे है। तो ये श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं, जैसे माँ जो रहती है वो माँ का बच्चे के प्रति जो प्यार होता है ना, चाहे बच्चा जमीन पे रेंग रहा हो या चाहे बड़ा होकर चल रहा हो, वो माँ को बच्चा हमेशा प्यारा लगता है। ऐसे ही जो प्रगत भक्त होता है उसके लिए भगवान से संबंधित कुछ भी हो, चाहे कुरुक्षेत्र का लीला हो चाहे सृष्टि का लीला हो चाहे रासलीला हो, सब कुछ उस भक्त को अच्छा लगता है। और वो भेदभाव नहीं करता कि मैं रासलीला सुनूंगा सृष्टि लीला नहीं सुनूंगा, या सृष्टि लीला में उसको नींद नहीं आती। तो जैसे माँ जो रहती है ना वो देखती नहीं है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा हो चाहे खराब कर रहा हो, माँ को हमेशा अच्छा लगता है, माँ को हमेशा बच्चे के लिए प्यार रहता है। तो ऐसे ही अभी देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रगत भक्तों को क्या करना चाहिए। तो प्रगत भक्तों को चाहिए कि उसको भगवान की कृष्ण की वृंदावन लीला के बारे में श्रवण करे और कीर्तन करे, और उसके साथ साथ केवल उनके साथ करे जो उसके बराबर के भक्त हैं। तो इस प्रकार का जब हम संवाद करते हैं, इस प्रकार का जब जब प्रेम का आदान प्रदान करते हैं भगवान को बीच में रख के, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा करना ही चाहिए। और ऐसे ही कृष्ण भक्त को, जो प्रमाणिक कृष्ण के भक्त हैं, उनको एक साथ आकर भगवान की वृंदावन लीला के बारे में श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। नए लोगों के सामने बोलने का जरूरत नहीं है भगवान की वृंदावन लीला के बारे में। जो आपके बराबर के भक्त हैं, जो साधक हैं, जो हमारे हमारे हमारी तरह समझ रखते हैं, उनके साथ हम कृष्ण की वृंदावन लीलाओं के बारे में श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सुंदर तस्वीर है, GBC रिट्रीट में बड़े बड़े महाराज लोग एक साथ आकर कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं और गा रहे हैं। तो मतलब दूसरे शब्दों में क्या कहा गया कि हमें चाहिए कि हम कृष्ण को तत्व के आधार पर समझें,
सिर्फ दिखावटीपन से समझने से नहीं चलेगा, हमें समझना है कि कृष्ण कैसे देवकी और वसुदेव के पुत्र थे और मथुरा में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की थी। सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मूर्खता से, अरे हमें मालूम है कि भगवान कौन है, भगवान वसुदेव देवकी के बेटे हैं, वृंदावन में किए थे, गोपियों के साथ नाच किए थे। इतना जानना काफ़ी नहीं रहता, हमें ये भी जानना चाहिए कि भगवान के गूढ़ रहस्य क्या हैं। जैसे अगासुर का लीला है, तो हम देखते हैं कि कैसे अगासुर को स्वरूप सिद्धि प्राप्त हुई। क्या बोलते हैं उसको कि जैसे अगासुर को गोलोक वृंदावन में भगवान के पार्षद के रूप का रूप मिल गया, तो कोई सोचेगा कि अरे ऐसा कैसे कि दैत्य को तो मारने के बाद, असुर को मारने के बाद ब्रह्म ज्योति में जाना चाहिए। तो इसका कारण क्या है, जब अगासुर ने अपना बड़ा सा मुंह खोला था सांप के रूप में और दोनों आंखों से बिना पलकें झपकाए कृष्ण के ऊपर एक टक से देख रहा था, तो जब ऐसा उसका मन भगवान के ऊपर लग गया तो इस कारण से उसको भगवान के प्रति प्रेम जाग गया। और दूसरा कृष्ण को अगासुर ने अपने मुंह में बंद करके रखा, बकासुर की तरह उल्टी करके बाहर नहीं फेंका, तो इसलिए अगासुर को मुक्ति प्राप्त हुई। तीसरा, जब अगासुर मर गया तो उसके जो शरीर का कंकाल था, जो हड्डी का ढांचा था, उसमें ग्वाल बाल छुपन छुपाई खेलते थे। तो ये तीन कारणों से अगासुर ने भगवान को और भगवान के भक्तों को इतना खुश किया कि अगासुर को भी भगवान के नित्य पार्षद का स्वरूप मिल गया। तो इस तरीके से हर लीला के बारे में आप चाहें तो थोड़ा गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि कैसे कृष्ण जंगल की दावाग्नि को अपने मुंह में ले रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि ग्वाल वालों को बोलते हैं कि हे सब लोग अपनी अपनी आँखें बंद कर लो। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं आँखें बंद करने के लिए, क्यों, ताकि अगर तुम आँखें बंद करोगे तो ही तुम अपने हाथ अपने हृदय में भगवान की लीलाओं का मनन कर पाओगे। तो इसलिए ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय में भगवान के बारे में चिंतन किया, और फिर जैसे ही ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोली तो आंखें खोलने के बाद भी उनको कृष्ण दिखे, मतलब आंख बंद करने पे भी उनको भगवान का चिंतन हुआ और आँख खोलने के बाद भी उनको भगवान का दर्शन हुआ। तो इसलिए इस संसार में भी दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक जो आपको लुभाएगी और दूसरा जो आपको बंधन में डालेगी। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार की लुभाने वाली चीज़ों के प्रति हमें आंख बंद कर लेना है और दिल में भगवान का चिंतन करना है। तो जैसे जब हम लीलाओं का अच्छे से श्रवण करते हैं तो हम लीलाओं को गहराई में जान पाएंगे और भगवान की लीलाओं के प्रति एक उच्च स्तर का स्वाद प्राप्त होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस जगत के भोग के पीछे भागते रहते हैं, हमारी आसक्ति बनी रहती है। तो देखिए, जो भगवान का भक्त जो सही में प्रगति कर रहा है वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहेगा, भगवान की लीलाओं के बारे में ही सोचते रहेगा, उसके मन में कभी कुछ और विचार आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से जो तो हमें चाहिए कि हम भगवान के बारे में पूरा ज्ञान रखें, आधा अधूरा ज्ञान रखने का कुछ मतलब ही नहीं है, तो ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति आएगी और भगवान के प्रति प्रेम आएगा। जैसे कुछ वक्त प्रवचन देते हैं रघुनंदन ठाकुर के ऊपर, और प्रवचन में बोलते हैं कि रघुनंदन ठाकुर के पिताजी का क्या नाम था, ये था या वो था, नरहरि था या ये था, हाँ। तो मतलब कुछ लोग लीला बताएंगे लेकिन लीला के बारे में पूरा नाम हम कुछ याद ही नहीं रहेगा उनको, क्यों, क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया लीला के बारे में। काफ़ी बार लोग नाम से संबंधित कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हाँ। जैसे ऐसे कुछ लोग आधा अधूरा ज्ञान करके क्या बोलेंगे, हाँ हाँ कृष्ण ने कुछ तो गीता में कहा था। तो कृष्ण यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कृष्ण के बारे में हमें समग्रम ज्ञान रखना चाहिए, समग्र मतलब भगवान से संबंधित हर एक चीज़ हमें मालूम रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये भी जानना चाहिए कि जो प्रगत भक्त होते हैं वह भगवान कृष्ण की लीलाओं को छुपाते नहीं हैं, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत के जो प्रचारक होते हैं वो भगवान के जो मूल ज्ञान है, जो कृष्ण का परिचय है, जो कृष्ण का वास्तविक ज्ञान है, तत्व ज्ञान, वो सबको प्रदान करते हैं, क्योंकि यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें निर्देश दिया था। तो कृष्ण का और कृष्ण का संदेश दोनों में कुछ फर्क नहीं है, हाँ। तो इसलिए एक प्रचारक का कर्तव्य होता है कि
श्रोताओं के गुण के आधार पर उनको, श्रोताओं के गुण के आधार पर उनको ज्ञान प्रदान करें। तो देखिए अब जैसे कृष्ण का रासलीला जो थी उसमें हम देखते हैं कि कैसे जो गोपियों का शरीर जो था वो वृंदावन में ही था, उनके घरों में ही था, तो कृष्ण के साथ कौन नृत्य करने गया? तो वो कृष्ण के साथ जो नृत्य करने वाली गोपियाँ थी वो गोपियों का आध्यात्मिक स्वरूप था। तो इसलिए ऐसे सोचने की बात ही नहीं आती कि कृष्ण का जो रासलीला है भौतिक जगत का है। तो जो नए लोग होते हैं वो जब ऐसा सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ हम अभी तक कृष्ण के बारे में गलत समझते थे। तो हमें कहते हैं कि कृष्ण के चरित्र से संबंधित जो लोगों के अंदर में संशय रहता है उस संशय को प्रामाणिकता से तत्व का ज्ञान प्रदान करके उस संशय को हम हटाएं। तो अभी प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ के हम समझ पाएंगे कि कैसे लीलाओं का हम प्रचार ऐसे करें कि लोगों का कृष्ण के ऊपर विश्वास और बढ़े। अभी यहाँ पे बताया गया है कि प्रचार करने की सफलता क्या होती है। तो सफलता ये होती है कि जब आपके श्रोता कृष्ण के संदेश को अच्छे से समझ पाए और समझ गए कि कृष्ण वास्तव में भगवान हैं और कृष्ण की लीलाएं भौतिक नहीं हैं। अगर आपके श्रोताओं को ये समझ में आ गया मतलब आप प्रचार अच्छे से कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो एक गाय का बछड़ा कृष्ण की सेवा कर रहा है गोलोक वृंदावन में उसके प्यार में और राधा रानी के प्यार में फर्क नहीं है। गोपियों का प्यार और गाय का प्यार कृष्ण के लिए एक ही है। तो इस तरीके से कृष्ण किसी काम भौतिक काम के प्रति आकर्षित नहीं होते। जैसे कृष्ण जब कुब्जा के बारे में बात कर रहे थे हाँ तो वहाँ पर शास्त्र में बताया गया काम प्राय। काम प्राय मतलब कि कुब्जा के हृदय में काम था लेकिन जो गोपियों का हृदय था उसमें बिल्कुल काम नहीं था। तो एक श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है 10वें स्कंद में 29वें अध्याय में 9वां श्लोक। तो वहाँ पे तात्पर्य में आप पाएंगे कि अगर किसी के प्रति किसी के हृदय में जरा भी काम वासना है तो उसको लीला में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं मिलती। जब आप ऐसा सुनेंगे तो आपको मालूम चले कि हाँ तो कैसे कैसे रासलीला में जो भी लोग भी हैं उनके हृदय में काम वासना नहीं है। तो जब ऐसे करके आप प्रचार करेंगे तो लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ रासलीला जो है वो भौतिक स्तर पे नहीं है। तो इस तरीके से हमें चाहिए कि जो जो प्रचारक हो वो कृष्ण लीलाओं को अलग अलग तरीके से कनिष्ठ लोगों को बताए। हाँ मतलब नए लोगों को ऐसे ऐसे प्रचार नहीं करना जैसे हम अपने भक्तों के साथ प्रचार करते हैं, भक्तों को प्रचार करते हैं। नए लोगों को प्रचार करने का तरीका नए तरीके से होना चाहिए, उनके स्तर पे होना चाहिए ताकि भगवान के तत्व को जानकर और भगवान को समझ पाएं कि भगवान दिव्य हैं, भगवान की लीलाएं भी दिव्य हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि चाहे तीसरे दर्जे का भक्त भी जो रहेगा जिसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है या जिसने श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ी है, भगवद गीता नहीं पढ़ी है, उसको भी तो मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि सबको भगवान के बारे में सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो तीसरे दर्जे का जो भक्त होता है उसके पास ना उसके अंदर विश्वास रहता है ना उसके पास ज्ञान रहता है। और जनरली सामान्यतः ये लोग ना भक्त भगवान के पास अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने आते हैं और एक बार भौतिक इच्छा पूरी हो जाती है तो मंदिर छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि उन लोगों को भी उनके हिसाब से प्रचार करना चाहिए। मतलब अगर नए लोग आते हैं हमारे उदाहरण के लिए तो उनको हमें बताना चाहिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में। हाँ उनको बताना चाहिए कि कैसे प्रभुपाद ने बताया उनको हमेशा कि भौतिक जगत से निकलना चाहिए, हाँ जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी है। और जिन लोगों को मालूम चल रहा है कि हाँ अभी मुझे मुक्ति पानी है तो उनको आप बता सकते हैं कि कैसे कर्मी ज्ञानी योगी हाँ भुक्ति मुक्ति सिद्धि क्या होती है ये सब चीज़ें बता सकते हैं। हाँ और उनको बता सकते हैं कि फिर कैसे भुक्ति मुक्ति सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें भक्ति की प्राप्ति करने की इच्छा करनी चाहिए। और जिन लोगों को मालूम चलता है कि हाँ ठीक है अभी भक्ति चाहिए तो उनको हमें प्रचार करके बताना चाहिए कि मम जन्मनि जन्मनि छोरे कि कैसे भक्ति कि अगर आप कृष्ण की भक्ति एक बार प्राप्त हो गई आपको तो आपको चाहे ये जगत में रहें चाहे गोलोक वृंदावन में जाएं कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भक्त भगवत धाम जाने की भी इच्छा को छोड़ देता है। तो इस तरीके से जो ज्ञान है ये हमें अलग अलग स्तर के लोगों को अलग अलग स्तर पे प्रचार करके बताना चाहिए, धीरे धीरे बताना चाहिए। जैसे हम देखेंगे हम जब नवयुगों के लिए हम प्रचार करते हैं संकल्प कैंप स्फूर्ति कैंप हाँ हम ये सारे शिविरों में उनके स्तर के हिसाब से उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे संकल्प में हम उनको
बताते हैं उनको मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में, हाँ, कि कैसे सुबह को उठ के आरती करना चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से फिर सूरति कैंप में हम उनको बताते हैं कि कैसे भौतिक जगत जो है यहाँ पे हम खुश नहीं रह सकते। हाँ, हमें चाहिए कि हम भगवान के प्रति हमारा खोया हुआ प्यार दिल में जगाएं और भगवान की प्राप्ति करें, और हमारे साथ जो भगवान का संबंध है शाश्वत, उस संबंध को जानने के बारे में जानने के लिए प्रयास करें। अभी जब उनको ये चीज़ समझ में आ गई तो हम तो अब अगर अभी हम भगवान के भगवत धाम के बारे में उनको कुछ भी बताएंगे तो लोग स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो बेसिक ज्ञान है वो प्राप्त हो गया। तो श्रीमद् भागवतम जो है कलयुग के लोगों के लिए बताया गया है ताकि कलयुग के लोग प्रत्यक्ष तरीके से भगवान के बारे में श्रीमद् भागवतम से सुन पाएं। तो श्रील प्रभुपाद ने सूत्र बनाया गुरु महाराज, जो कि उनके गुरु महाराज ने बताया था, और वही नारद मुनि ने भी व्यासदेव को बताया था। क्या बताया? श्रील प्रभुपाद ने सफलतापूर्वक कृष्ण भावना आंदोलन को सब जगह प्रचार किया क्योंकि उन्होंने शास्त्रों के वितरण करके भगवान का प्रचार किया। तो आज भी भगवान के जो भक्त हैं, जो जब शहरों में गांव में सफ़र करते हैं तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, कृष्णा ग्रंथ, भगवद गीता। तो ये जो किताबें हैं, ये जो ग्रंथ हैं, ये कृष्ण की लीलाओं का इतने अच्छे से वर्णन करते हैं कि भौतिक लोग भी ये कृष्ण की लीलाओं को सुनकर दिव्य बन सकते हैं। तो इस तरीके से एक शक्तिशाली आचार्य की कृपा से भौतिक जगत के लोग भी, भौतिक कर्मी लोग भी, हाँ, भगवान के प्रति निरपराध भावना से सुनकर भगवान की गोपियों की लीला को जान सकते हैं और भगवान के ऊपर विश्वास प्राप्ति कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस जगत में तीन प्रकार के लोग हैं। एक रहता है जो मुक्त लोग हैं, दूसरा जो मुक्ति पाना चाहते हैं, और तीसरा जो भौतिक जगत में भोग में फंसे हुए हैं। तो इन तीनों में से जो पूरी तरह मुक्त हैं वो लोग जप करते हैं और भगवान के नाम के बारे में श्रवण करते हैं, ये जानकर कि भगवान के नाम का चर्चा करके ही हम अपने आप को दिव्य स्तर पे रख सकते हैं। तो देखिए, जो मुक्त लोग रहते हैं वो भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन प्रेम से करते हैं, और जो मुक्ति पाना चाहते हैं वो लोग अपने हृदय को साफ करने के लिए जप करते हैं, और जो लोग जो भोग करना चाहते हैं वो लोग भी कृष्ण के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो इस तरीके से तीन प्रकार के लोग भगवान के बारे में तीन स्तर पर सुन रहे हैं, कोई भाव स्तर पर सुन रहा है, और कोई अपने दिल को साफ करने के लिए सुन रहा है, और कोई अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए सुन रहा है। तो जो लोग मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग दूसरे स्तर पर रहते हैं, क्योंकि ये लोग भी जप करते हैं और भगवान के नाम के बारे में कीर्तन करते हैं, लेकिन मुक्ति पाने के लिए करते हैं। हाँ, उनको भी थोड़ा जप करते समय थोड़ा प्रसन्नता उनको भी अनुभव होता है। और जो कर्मी लोग रहते हैं, ये लोग जो इंद्रिय भोग में हमेशा रमे रहते हैं, ये लोग भी भगवान के बारे में सुनने में इनको थोड़ा आनंद होता है। हाँ, जैसे कृष्ण कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही है कृष्ण की, और फिर कैसे वृंदावन में भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर स्तर पे जो लोग हैं ना, वो भगवान के नाम का और भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करके थोड़ा थोड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे लोग पूछते हैं कि कर्ण के बारे में क्या हुआ, हाँ, उनको बहुत रोचक लगता है ये सब जान के कि कैसे महाभारत में पॉलिटिक्स हुआ। हाँ हाँ, हर कोई सुनना चाहता है राजनीति के बारे में, लेकिन ये सब सुनते सुनते उनको क्या, उनको कृष्ण को भी बताना पड़ेगा, उनको कृष्ण के बारे में बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति के बारे में चर्चा करते रहे महाभारत के नाम पे, कर्ण ने ऐसा किया वैसा किया और कृष्ण के बारे में बताया नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण के बारे में श्रवण करना सबके लिए है, लेकिन प्रवचनकर्ता और श्रोता उनको अपने गुणों का अधिकार का ज्ञान होना चाहिए, और अपने अधिकार के हिसाब से ही प्रचार कीजिए और श्रवण कीजिए। तो इसलिए कृष्ण जो प्रवचनकर्ता होता है वो कृष्ण के नाम गुण रूप लीला को अपने श्रोताओं के अधिकार के हिसाब से प्रचार करना चाहिए। हाँ, और भक्त को भी श्रवण और जो कीर्तन है कृष्ण का, श्रवण और पठन अपने अधिकार के हिसाब से करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आप को अपराध से बचा पाएंगे और हमें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए जैसे हमें सार्वभौम प्रभु से कितना अच्छा सुना कि कितना अच्छे से प्रभु जी भागवतम से श्लोक लेते हैं और शब्दार्थ बताकर उनको बराबर मालूम रहते कि कैसे बताएंगे ना, कि जो श्रोता लोग हैं उनको बराबर उनके अधिकार के हिसाब से उनको ज्ञान प्राप्त होगा, वो उसको पचा पाएंगे, अपने जीवन में उतार के लाभान्वित हो पाएंगे। तो ऐसा करके हम
इस प्रकार के प्रचारकों से सीख सकते हैं कि कैसे भगवान के ज्ञान को हमें प्रचार करना चाहिए। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो 5 मिनट और चर्चा कर सकते हैं। हाँ, उनको माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि हमें भगवान की लीलाओं के बारे में पूरा बहुत अच्छे से गहराई से मालूम रहना चाहिए। काफ़ी बार क्या रहता है कि श्रील प्रभुपाद हमें ये सब सारी चीज़ें गहराई में नहीं बताते, तो प्रभु जी बता रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। प्रभुपाद के ग्रंथ में अगर आप तात्पर्य को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी गहराई में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। प्रवचन में आपको दसवें स्कंद के ऊपर ज़्यादा लीलाओं का वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप श्रीमद् भागवत में तात्पर्य पढ़ेंगे, हाँ, जैसे हाल ही में एक हमने देखा कि कैसे वेला के भक्तों ने भी चैतन्य चरितामृत का पूरा पाठ किया है, तो अगर आप भागवतम लेते हैं पहला स्कंद से, तो आपको तात्पर्य, हर एक तात्पर्य अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ, और आप देखेंगे कि कोई भी अच्छा प्रवचन करता रहता है ना, वो हमेशा तात्पर्य से बोलता है। नहीं तो क्या होता है कि सब हवा में जाता है कि इसका नाम वो होगा, उसका नाम ये होगा। हाँ, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम तात्पर्य को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट बनाएं। हाँ, जो भी मैं आपको यहाँ पर प्रवचन बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे आचार्य की किताब से पढ़ रहा हूँ, ये सब प्रभुपाद वाणी है। आप जाके पूछे, जाके पढ़िए आकाशसुर का लीला, तो दसवें स्कंद की बात छोड़ो, पहला और दूसरा स्कंद में भी आप देखेंगे ना कि कितना सोने की तरह भगवान ने ज्ञान प्रदान किया था, प्रभुपाद ने तात्पर्य प्रदान किया है तात्पर्य में, कि जो जीवात्मा जो है वो ऐसी बनी है कि उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब वो अपने आप को भगवान के ऊपर पूरी तरह निर्भर करती है। तो ये प्रभुपाद पहले स्कंद के तात्पर्य में बताते हैं। ऐसे ही जो महान जो भक्त होते हैं वो महान लक्ष्य के लिए धोखा देते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो इसलिए कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग ये सब चीज़ें एक दो पॉइंट नोट कर लेते हैं। हाँ, और तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे तात्पर्य को पूरी तरह रट लो और रटने के बाद वैसा का वैसा रिपीट करो। तो ये सब चीज़ें प्रभुपाद के तात्पर्य में हैं। और दूसरा चीज़ कि कुछ तात्पर्य में आप देखेंगे ना कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उज्ज्वल नीलमणि पढ़ सकते हैं या जैव धर्म पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम वरिष्ठ भक्तों के पास जाके पूछना चाहिए कि प्रभु जी मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ क्या, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। तो एक लड़का आया मेरे पास वो मेरे पास आके बोला उसने भागवतम सीसी नहीं पढ़ा और मुझे आके पूछ रहा कि जैव धर्म पढ़ूँ क्या। तो मैंने कहा नहीं, पहले भागवतम और सीसी कंप्लीट करो, उसके बाद जैव धर्म पढ़ने की बात करो। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।